स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत ने जनसंख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला यानी जनसंख्या वाला देश बन गया है। देश की जनसंख्या 142 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। चीन के मुकाबले हमारे देश की पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भारत में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख लोग ज्यादा हैं, यानी जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि भारत एक वक्त ऐसा आएगा जब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और अब आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है, यानी भारत की जनसंख्या चीन से करीब 30 लाख ज्यादा है। साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UNFPA के नए आंकड़ों के मुताबिक अब इस पर मोहर लग चुकी है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस की संस्था ने जारी किए हैं ये ताजा आंकड़े। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइफ्स इंफिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1,428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1,425.7 मिलियन है, यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। तो ये यूएन की रिपोर्ट है जो सामने आई है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने अब जनसंख्या के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है। 1950 के बाद ऐसा पहली बार है जब भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हुई है, जो एक चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा इकट्ठा करना और जारी करना शुरू किया था। यानी जब से यूएन ने जनसंख्या डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से अब तक ऐसा हुआ नहीं कि भारत इस रिकॉर्ड में नंबर वन रहा हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ चुका है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है, ये भी इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। UNFPA की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जो 25% आबादी है वो दरअसल 1 साल से 14 साल के बच्चे हैं। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग जो हैं वो 18% हैं, वहीं 10 से 24 साल के जो लोग हैं वो भारत में 26% हैं। 15 से जो 64 साल तक के लोग हैं वो दरअसल 68% है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। और 65 से ऊपर के जो लोग हैं वो 7% है, यानी अलग अलग कैटेगरी में इस पूरी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट है। इसमें तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं। चीन में भारत से ज्यादा लोग जी रहे हैं, ये भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। चीन में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की जो औसत उम्र है वो भारत से बेहतर है। यहाँ पुरुषों की औसत उम्र 76 साल और महिलाओं की औसत उम्र जो है वो 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों की औसत उम्र जो है वो 74 साल और महिलाओं की औसत उम्र जो है वो सिर्फ 71 साल है, यानी महिलाएं सिर्फ 71 साल ही जी पाती हैं। इससे ज्यादा दरअसल महिलाओं का जीवन जो है वो बेहद कम है। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरी जो खबर है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस बात का जिक्र पहले ही हो रहा है कि बढ़ती जनसंख्या
किसी भी देश की वो बेरोजगारी, वो भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। और भारत जो कि एक विकासशील देश है, जो भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं देश की ये बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में एक बाधा बन सकती है। इसको लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में जो इंडिया के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। हम भारत के 142 करोड़ जो लोग हैं, वो दरअसल अब 142 करोड़ मौके के रूप में हम उन्हें देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी मामले में हर रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ये जो UNFPA में भारत के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन ये जनसंख्या कब बढ़ी है, इस बात की जानकारी UNFPA की इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। आंकड़े जारी करने के बाद UNFPA की मीडिया जो एडवाइजर हैं एना जेफरीज, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये साफ नहीं है कि भारत की जनसंख्या चीन से कब आगे निकली। दोनों देशों के आंकड़े जारी करने के समय में काफी अंतर है, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। हम यही बता सकते हैं कि चीन की जनसंख्या पिछले साल पीक पर थी, जिसके बाद इसमें 8.5 लाख की गिरावट आई थी। वहीं इसके उलट भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ये जो UNFPA की मीडिया एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। लेकिन ये दरअसल बड़ी खबर है, क्योंकि जिस बात को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही थी कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत की जनसंख्या जो है वो चीन से ज्यादा हो जाएगी। और आज जो रिपोर्ट यूएन की ओर से जारी की गई है, उसमें यही बड़ी खबर है कि अब चीन नहीं बल्कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें ही बढ़ाएंगी। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर इस लिहाज से है कि भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। चीन के मुकाबले अगर बात की जाए, चीन में युवाओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में युवाओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी संख्या भारत में युवाओं की है। और युवा जाहिर तौर पर अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा, तो भारत जरूर कहीं ना कहीं भारत में 4 चांद लग सकते हैं। लेकिन ये बढ़ती जनसंख्या, जिसको लेकर लगातार समस्याओं का जिक्र भी किया गया है कि बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, फिर चाहे वो बढ़ती जनसंख्या के चलते आवासों की कमी हो, फिर चाहे वो गरीबी में जीवन व्यतीत करना हो, बेरोजगारी हो, चाहे फिर वो शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस बीच चिंता का विषय जरूर है, जिस पर देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार जो है किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से भारत ने कि रिकॉर्ड जरूर कायम कर लिया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन इसे किस तरीके से अब सरकार हैंडल करेगी, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।